हेलो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत 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 आपकी अपने चैनल फैक्ट्स गैलेक्सी पर। दोस्तों आज हम बिहार के एक ऐसे शहर के सफर पर लिए चलता हूँ जिसे द स्वीट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहाँ के शाही लीची के मिठास का हर कोई दीवाना है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका इतिहास बहुत पुराना है, एक ऐसा शहर जिसे द रिवर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह वही शहर है जिन्होंने देश को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्रांतिकारी खुदीराम बोस दिए। वही शहर जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के मिशन में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो देर किस बात की भैया, चलिए आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर के शानदार सफर पर। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट भारत के पूर्वी भागों में स्थित बिहार के 38 जिलों में से एक है। आपको बता दें, बिहार उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बटा हुआ है और मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार में स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर में पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी को टच करती है, दक्षिण में वैशाली और सारण को टच करती है, पूर्व में समस्तीपुर और दरभंगा को टच करती है। वही इसके पश्चिम में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट स्थित है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी 2022 के अनुसार तकरीबन 54 लाख तक पहुंच गया है। दोस्तों मुजफ्फरपुर बिहार के उन कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है जिन्हें 2017 में स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया है। आपको बता दें, इस मिशन के तहत मुजफ्फरपुर शहर में 17 प्रोजेक्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है। इसमें स्मार्ट रोड नेटवर्क, शॉपिंग मॉल, पेरीफील्ड रोड नेटवर्क, मुजफ्फरपुर के सौंदर्यीकरण, स्मार्ट मिनी बस और ई रिक्शा, इनके अलावा भी इसमें कई सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोस्तों मुजफ्फरपुर की जीडीपी की बात करें तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर की टोटल जीडीपी $5 बिलियन है, जो बिहार के जीडीपी में 4.7% की साझेदारी करती है। यह जिला काफी हद तक कृषि पर ही निर्भर करता है। यहाँ की मुख्य फसल धान, गेहूँ, मक्का, आम और लीची है। यहाँ के जरदालू, आम, मगई, पान और कतरनी धान को भौगोलिक इंडिकेशन मिल चुका है। दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा, मुजफ्फरपुर के जमीन में कूट कूट कर मिठास भरा है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के जमीन पर पनपने वाले पेड़ पौधे पर जो फल आते हैं उनके मिठास का कोई जवाब नहीं है। खासकर यहाँ के शाही लीची के मिठास का हर कोई दीवाना है। लीचियों के मौसम में मुजफ्फरपुर के मीठी रस भरी लीचियों से हर बाजार सजता है। यूं ही नहीं, हर एक दिल में मुजफ्फरपुर बसता है। बता दें, भारत के लगभग हर राज्यों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी यहाँ के लीची का मांग सर चढ़कर बोलता है। क्लियरली बोले तो यहाँ के लीची का इतना मांग है कि यहाँ लीची कम पड़ जाती है। कहते हैं लीची का मौसम आ जाना मुजफ्फरपुर में किसी त्यौहार के आ जाने से कम नहीं होता। जी हाँ साथियों, जब तक मुजफ्फरपुर की लीची में स्वाद है तब तक हमारे जुबान पर मिठास है। मुजफ्फरपुर में कृषि के अलावा यहाँ के थर्मल प्लांट, सूती कपड़े के कारखाने, लोहे की चूड़ियों के कारखाने और भी कई सारे छोटे बड़े कारखाने अवेलेबल है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाता है। दोस्तों मुजफ्फरपुर के इतिहास को अंदर से झांके तो प्राचीन काल में मुजफ्फरपुर मिथिला राज का अंग था और प्राचीन काल से लेकर 1763 तक कई राजाओं का मुजफ्फरपुर पर शासन रहा, लेकिन 1764 जैसे ही आया वैसे ही मुजफ्फरपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बता दें 1764 में बक्सर लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने न सिर्फ मुजफ्फरपुर पर अपना अधिकार किया बल्कि बक्सर लड़ाई के बाद अंग्रेज पूरे भारत के हर एक जिले को अपने कंट्रोल में ले लिया। इनके बाद 1875 आते ही प्रशासनिक सुविधा के लिए तिरहुत का गठन कर मुजफ्फरपुर जिला बनाया गया और यहीं से मुजफ्फरपुर अपने अस्तित्व में आया। दोस्तों क्या आपको पता है आखिर मुजफ्फरपुर का नाम मुजफ्फरपुर ही क्यों पड़ा? बता दें, ब्रिटिश काल के मुस्लिम राजस्व अधिकारी मुजफ्फर के नाम पर इस जिले का नाम मुजफ्फरपुर रखा गया। वेल, भारत को आजादी हासिल करने में मुजफ्फरपुर जिला का अहम योगदान रहा है, क्योंकि खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी और पंडित सहदेव झा जैसे महान क्रांतिकारियों का कर्म भूमि यही रहा है। और यह बात दुनिया जानती है कि खुदीराम बोस जैसे महान पुरुषों ने अंग्रेजों को नाक में दम कर रखा था, लेकिन सच यह भी है कि मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस ने अपने देश को आजादी दिलाने में फांसी के सूली पर चढ़ गए, लेकिन फिर भी खुदीराम बोस जैसे महान पुरुष मर के भी हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में आज भी जिंदा है। दोस्तों मुजफ्फरपुर के फैक्ट्स की बात करें तो मुजफ्फरपुर तिरहुत डिवीजन के अंदर आता है और तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर भी मुजफ्फरपुर शहर में स्थित है। एक समय था जब शिवहर डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट और वैशाली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही शामिल था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा वैसे ही इसे 4 अलग अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया। दोस्तों मुजफ्फरपुर 16 प्रखंडों में बटा हुआ है और उसमें कुल 387 पंचायत है जिसमें 1811 गाँव शामिल है। वेल, मुजफ्फरपुर 3173 वर्ग किलोमीटर में फैले होने के साथ साथ यहाँ हर 1 किलोमीटर पर 1514 लोग निवास करते हैं। मुजफ्फरपुर को द रिवर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी नदियों का शहर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुजफ्फरपुर से 4 नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और लखनदेही नदी गुजरती हैं। दोस्तों मुजफ्फरपुर ने अपनी भूमि पर कई महान पुरुषों को जन्म दिया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर क्रांतिकारी खुदीराम बोस तक
साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी से लेकर राजनेता चंद्रशेखर नारायण सिंह तक सबके सब यहीं से आते हैं। आवागमन के लिए मुजफ्फरपुर रेल मार्ग रोड मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन बिहार के अलग अलग जिलों के साथ साथ देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर इंडियन रेलवे के मध्य रेलवे के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिल्ली गोरखपुर हाजीपुर मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग मुजफ्फरपुर बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। हाजीपुर से शुरू होकर सोनबरसा और सीतामढ़ी जाने वाली नेशनल हाईवे मुजफ्फरपुर शहर से गुजरती है। इसके अलावा लखनऊ से बरौनी जाने वाली नेशनल हाईवे भी मुजफ्फरपुर से गुजरती है। दोस्तों अब हम आपको मुजफ्फरपुर के उन तमाम जगहों को एक्सप्लोर कराऊंगा जिनके वजह से मुजफ्फरपुर को एक अलग पहचान मिली हुई है। गरीबनाथ टेम्पल मुजफ्फरपुर में स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर बिहार का देवघर माना जाता है। मनोकामना लिंग के नाम से लोकप्रिय गरीबनाथ मंदिर का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। माना जाता है पुराने समय में जहां गरीबनाथ मंदिर स्थित है उस जमीन का मालिक आर्थिक तंगी में आकर जमीन को बेच दिया था। उसी जमीन में एक बरगद का पेड़ भी था जो आज भी है। जमीन के नए मालिक मजदूर को लगाकर उस बरगद के पेड़ को कटवाना शुरू किया, लेकिन बरगद के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने से बरगद के पेड़ से लाल लाल पानी बहने लगा। मजदूर डर के मारे पेड़ को काटना छोड़ दिया और जमीन के मालिक को सूचना दिया। जमीन के मालिक जब वहां खुदवाई करवाई तो एक शिवलिंग मिला और उसी समय से यहां भक्तों का आना जाना लग गया। बता दें इस मंदिर का नाम श्री गरीबनाथ मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहां शिवलिंग गरीब मजदूरों को मिला था, इसलिए इस मंदिर का नाम श्री गरीबनाथ मंदिर रखा गया। हालांकि आज के वक्त बाबा के मंदिर में हर दिन सुबह और शाम पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन खासकर सावन के महीनों में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। जुब्बा साहनी पार्क जुब्बा साहनी पार्क स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जुब्बा साहनी के नाम पर बच्चों का पार्क है जो मुजफ्फरपुर के मिठन क्षेत्र में स्थित है। जुब्बा साहनी पार्क बच्चों के पार्क की तरह ही है, लेकिन हरे भरे पेड़ मखमली घास झाड़ियों और शांत वातावरण के कारण यह वास्को बच्चों और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है। पार्क में लंबी और ऊंची लाइटों की कतार सूर्यास्त के बाद पूरे पार्क को प्रकाश की रोशनी से जगमगा देती है। मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में यह मुख्य पिकनिक और मनोरंजन स्थल के रूप में जाना जाता है। श्री राम टेम्पल यह प्रसिद्ध भगवान राम मंदिर साहू पोखर के छोटे गांव में स्थित है। यह ऐतिहासिक और सुंदर मंदिर हर दिन हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। वास्तव में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या जाकर देखे तो यह आसानी से मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थलों में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। मंदिर भी बहुत विशाल है और कई हिंदू देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर को समायोजित है। और इन मंदिरों में से एक मंदिर है जिसमें एक विशेष शिवलिंग है जो पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा है। कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्यटक इस विशेष मंदिर को देखने के बाद याद करे बिना नहीं रह सकता। लीची बगीचा जैसा कि आप जान चुके हैं कि मुजफ्फरपुर की लीची देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी छाप छोड़ चुकी है। मुजफ्फरपुर की लीची को आघोषित राजधानी का टैग मिल चुका है और साल में 300,000 टन लीची पैदा करने की वजह से यहाँ की लीची का बगीचा मुजफ्फरपुर में सैलानियों का सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। ग्रैंड मॉल ग्रैंड मॉल को बिग बाजार भी कहा जाता है क्योंकि यह न सिर्फ मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा मॉल है बल्कि पूरे बिहार के सबसे बड़े मॉल में से एक है। इस मॉल की खूबसूरती दिल्ली और मुंबई के मॉल से कम नहीं है। इस मॉल में आप शॉपिंग के साथ सिनेमा का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों यार आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की शानदार बेहतरीन जानकारियाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जनाब कमेंट में बताइएगा आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।